हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरा नाम है सुभाष और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सुभाष यादव ब्लॉग्स में। तो आज मैं कोलकाता में साइकिल से मेला घूमने वाला हूँ। ये रहा मेरा साइकिल और साथ में है नागमणि हमेशा की तरह। तो आप लोग जान ही गए होंगे कि आज का ब्लॉग कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। आज मैं आप लोगों को बहुत ही प्रसिद्ध और फेमस पंडाल जो कि कोलकाता का प्रसिद्ध होता है वो दिखाने वाला हूँ। और आज दिन भर कहीं जा नहीं पाए तो रात में ही घूमेंगे, रात में ही ब्लॉगिंग करेंगे पूरा एकदम। और एक चीज़ पहले बता दे रहा हूँ, हल्ला बहुत होने के कारण मैं बोल कम पाऊँगा, सिर्फ दिखा पाऊँगा जितना हो सकता है उतना। इसीलिए आप वीडियो देखिए, मजे लीजिए। तो दोस्तों, अभी हम जाने वाले हैं कोलकाता का मशहूर दुबई की शान बुर्ज खलीफा को देखने। यहाँ पे दुर्गा पंडाल बना है बुर्ज खलीफा का, जो कि बहुत लंबा तगड़ा एकदम मस्त है। तो अभी वहीं जाएंगे, देखेंगे। ऐसे भीड़ तो बहुत है सुना है, तो देखते हैं कैसा होता है। बने रही वीडियो में मेरे साथ, तो चलते हैं। अभी मैं ट्रेन का इंतजार कर रहा हूँ, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। जगह का नाम है शिव भूमि कोलकाता में, वहीं जा रहे हैं, ट्रेन से जाएंगे। और एक बात, यहाँ के जो लोग हैं वो रात में ही मेला देखने के लिए निकलते हैं, तो इस वजह से हम लोग भी रात में ही निकले हैं। अभी टाइम हो रहा है 9:30 और अभी ट्रेन पकड़ के जाएंगे, पूरा सुबह कर देंगे घूमते घूमते, और सुबह में आपको ये वीडियो मिल जाएगी। तो आप लोग यहाँ का भीड़ देख सकते हैं, कितना भीड़ है। हम लोग कितना स्ट्रगल करते हुए जा रहे हैं मेला देखने। पूरा रोड जाम पड़ा है, बोले तो पूरा रात ऐसे ही जाम रहेगा। और आगे का सीन देखिए। और यहाँ पे पूरा रोड जाम है और दूर से ही लाइन लगा हुआ है। नागमणि नागमणि का हालत खराब, पूरा कुछ ही देर में पहुँच जाएंगे हम लोग। और अभी गर्मी बहुत हो रही है तो हम लोग कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं और अभी पियेंगे। तो ये रहा मैडम हमारे लोग का कोल्ड ड्रिंक पी दे। तो अभी हम लोग इस पंडाल के तरफ जाएंगे। तो मास्क लगा लेते हैं पहले, क्योंकि बिना मास्क का एंट्री नहीं होता है यहाँ पे। हिंसा परम धर्म मंत्र के माथा लिखे अपूर्व सुंदर कवि मंडपी भावना और उपाय ने अशोक घोषणा है। धन्यवाद जमाई, चले ना बोल अंदर अंदर चलिए भीतर। तो ये पंडाल रास्ते में मिला है, देखिए बहुत ही अद्भुत है। अब यहाँ से चलेंगे अगले पंडाल और यहाँ का कारीगरी देखिए।
या जो कुछ भी बना है वो बांस का जो बनता है सूप और छिट्टा, बिहार में जिसको दौरा बोलते हैं, और सूप जो कि छठ के पर्व में काम आता है, उस चीज से बना हुआ है पूरा चीज। आपको करीब से दिखाता हूँ। ये रहे सारे सूप और पूरा जो पंडाल है इसी चीज से बना। और वो सारे जो मूर्ति दिख रहे हैं वो भी इसी चीज का बना हुआ है। और ये चेन भी उसी चीज के बने हुए हैं। तो अभी मंदिर के अंदर चलते हैं और मंदिर के अंदर चल के आपको दिखाते हैं। और दोस्तों ये रहा मेन गेट, यहीं से हम लोग बुर्ज खलीफा की ओर जाएंगे। और असली भीड़ तो यहाँ से शुरू हो रही है। जबकि अभी बहुत दूर बाकी है जाना, और अभी से ही भीड़ देख लीजिए। आज तो हम लोगों का कीमा बन जाएगा पूरा। यहाँ पे भीड़ बहुत है और सिक्योरिटी भी ज्यादा है, सब लोग भगा रहे हैं जबरदस्ती। फिर भी आप लोग देखिए, तो फाइनली हम लोगों ने बुर्ज खलीफा देखा और आप लोगों को देखा। तो दोस्तों कोलकाता का बुर्ज खलीफा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। हमें आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। आप लोग बताइए कि कैसा लगा कोलकाता का बुर्ज खलीफा, दुबई वाले से अच्छा है या नहीं।
तो बहुत दिक्कत के साथ हम लोग भीड़ से बाहर निकल के आ चुके हैं। अब देखते हैं आगे क्या करना है। लेकिन अंदर भीड़ में मजा बहुत आया वैसे, क्यों नागमणि तुम्हें मजा आया? नागमणि को मजा आया। और यहाँ क्या है, यहाँ देखते हैं थोड़ा सा। यहाँ भी एक पंडाल जो कि बहुत ही आकर्षक लग रहा है। तो अभी रात के 12 बज रहे हैं और कुल मिला के हम लोगों को 1 घंटा लगा बुर्ज खलीफा को देखने में। और आगे जाएंगे रास्ते में जो पंडाल मिलेगा सबको देखते हुए अब घर जाएंगे, बहुत थक चुके हैं हम लोग। यहाँ का पंडाल देखिए, इस पर्दे के पीछे आदमी बनाया हुआ है, वो भी बांस के लकड़ी से। और ये जो पंडाल है वो पूरा इसका बना हुआ है, ये इसको बोलते हैं गुल्लक, इसमें पैसे जमा करने के लिए यूज किया जाता है। ये पूरा मिट्टी का बना हुआ है और पूरा जो है पूरा जहाँ जहाँ गोल गोल दिख रहा है वो सब यही है और इसी का पूरा बनाया गया है ये पंडाल। कितना विशाल है ये देखिए, अभी अंदर चल के आप लोगों को दिखाते हैं। और ये देखिए मिट्टी कहाँ थी। क्या ही लुक है ये देखिए। ऊपर देखिए मधुमक्खी का छाता बनाया हुआ है, उसमें मधुमक्खी भी है। और पेड़ का बहुत खूब डिजाइनिंग किया गया है, वहां पे बंदर।
वाला पंडाल आप लोग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। पंडांग मन यहाँ पे बैठा हुआ है, अंदर देखे कैसा लगा यार? मुझे वाकई बुर्ज खलीफा वाला पंडाल के बाद ये पंडाल सबसे खूबसूरत लगा मुझे। क्या ही आर्किटेक्ट है यार, पूरा मिट्टी के वो जो बर्तन होते हैं जिसको हम लोग बैंक बोलते हैं, गुल्लक, उससे बनाया हुआ है पूरा पंडाल। और अंदर का तो क्या ही बताए, क्या कारीगरी है, पेड़ को इस तरह से डिजाइन किया गया है, मत पूछिए यार, आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। और यहाँ का पंडाल भी कुछ खास है, लंबा तो है लेकिन इसका ये जो है सतह, आप लोग देख के समझ जाइए क्या चीज का बना हुआ है। तो बस यार आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। आज के वीडियो का एम रखते हैं 100 लाइक, आप लोग तो पूरा ही दोगे, आप लोग बहुत अच्छे हो। और आज जितने भी दुर्गा पंडाल घूमे कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा है। और कल हम लोग साउथ कोलकाता जाने वाले हैं, वहाँ भी पूरा रात घूमेंगे और ब्लॉगिंग करेंगे, तो कल का ब्लॉग और भी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि कोलकाता में पंडाल का कमी नहीं है और इससे भी खूबसूरत खूबसूरत पंडाल वहाँ पे है, तो वहाँ जाएंगे कल। आज मैं बहुत थक चुका हूँ और अभी जा रहा हूँ। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो यार, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। अगर आप चाहते हैं कल का ब्लॉग देखना तो बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो फिर चलते हैं, बाय।